आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों पर। दीपावली के बाद उज्जैन में अन्नकूट के जमकर आयोजन हो रहे हैं, जहां विभिन्न समाजों द्वारा समाज के मंदिरों में अन्नकूट लगाया जा रहा है, तो वही मंदिरों में भी अन्नकूट लगाया जा रहा है। आंवला नवमी के अवसर पर उज्जैन के मंगलनाथ और अंगारेश्वर मंदिर में अन्नकूट लगाया गया। इस दौरान दोनों ही मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई, पूरे परिसर को सजाया गया था। मंदिरों में अन्नकूट के बाद भव्य आरती की गई। इस दौरान अंगारेश्वर मंदिर में ढोल और ताशों की आवाज से परिसर गुंजयमान रहा। मंगलनाथ मंदिर में पंडित महेंद्र सिंह भारती ने बताया है कि मंदिर में वर्षों से अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है, आज भी भगवान को अन्नकूट लगाया गया। अंगारेश्वर मंदिर के पंडित मनीष उपाध्याय ने बताया है कि आंवला नवमी पर मंदिर में अन्नकूट लगाया गया है। इस अवसर पर श्री अंगारेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया गया, भगवान को हरिहर स्वरूप में श्रृंगारित किया गया था। अन्नकूट के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। संबोधन विद्युत कांति सभा प्रभा कुमार शक्ति हस्तम का मंगलम परमान्यम। आज के दिन कार्तिक मास की आंवला नवमी के दिन भगवान महामंगल अंगारेश्वर भगवान का विशेष पंचामृत अभिषेक, रजत पूजन, रक्त चंदन पूजन, पंचोपचार पूजन के पश्चात बहुपुष्प पूजन का पूजन किया गया। उसके पश्चात भगवान को विशेष श्रृंगार करके कृष्ण स्वरूप में हरि और हर के मिलन के स्वरूप में कार्तिक मास में विशेष श्रृंगार करके भगवान अंगारेश्वर महादेव का आज जो है 56 प्रकार के नाना व्यंजनों का नैवेद्य प्रस्तुत करके महाआरती की गई। उस महाआरती का संध्या के समय बहुत कम से कम 1 से 1.5 हज़ार श्रद्धालुओं के समक्ष महाआरती की गई। श्रद्धालुओं ने महाआरती का आनंद लेकर प्रसाद का वितरण किया गया और भगवान का सतत रात्रि 10:30 बजे तक श्रृंगार दर्शन और 56 भोग का दर्शन रात्रि 10:30 बजे तक चलता रहेगा और प्रसाद वितरण भी साथ साथ चलता रहेगा। कार्तिक मास की जो आंवला नवमी है, इस नवमी को जो अक्षय नवमी के रूप में भी माना जाता है और आज के दिन भगवान का विशेष श्रृंगार करके 56 भोग का नैवेद्य प्रस्तुत किया गया। नाम बहन निश्चय भारती है। प्रतिवर्ष अनुसार अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। दीपावली के बाद में जो पहला मंगलवार पड़ता है उसमें, वही हर साल जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं उसी को प्रतिपादन करते हुए इस साल भी हमने वही। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।